मऊ जिले में आपसी भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ईद मिलन का समारोह का आयोजन नगर क्षेत्र के डीएवी इंटर कॉलेज में किया गया, जिनमें हिंदू समुदाय के लोगों ने मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर ईद पर्व की खुशियां मनाई। इसके साथ ही आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया। आपको बताते हैं कि प्रदेश के अति संवेदनशील जनपदों में मऊ जनपद का भी शुमार है। ऐसे में यहां पर पिछले समय में हुए दंगों ने हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी हिंदू मुस्लिम एकता अपने अटूट रिश्तों के साथ कायम है। इसलिए यहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा हिंदू समुदाय के लोगों के लिए नगर के मुस्लिम इंटर कॉलेज में होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया जाता है, तो वहीं हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा अपने मुस्लिम बंधुओं के लिए डीएवी इंटर कॉलेज में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। दोनों ही मिलन समारोह में सभी मिलजुल कर पर्व को धूमधाम के साथ मनाते हैं, साथ ही एक दूसरे के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करते हैं। इन कार्यक्रमों के लिए डीएम, एसपी, सांसद, विधायक सहित विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ नागरिक तथा आमजन शामिल होकर शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। कार्यक्रम के दौरान दोनों ही समुदाय के लोग अपने अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से अपनी समस्याओं से रूबरू होते हैं। समस्याओं को सुनने के बाद दोनों ही समुदाय के लोग एक दूसरे को उससे प्रमुखता से दूर करने का आश्वासन भी देते हैं। ये भी इंटर कॉलेज में हर वर्ष की भांति आज भी ईद मिलन का समारोह मनाया गया और ये हमारे जिले की काफ़ी गौरवमयी परंपरा है, जिसमें होली के दिन मुस्लिम इंटर कॉलेज में और ईद के दिन डीएवी इंटर कॉलेज में यह कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, सभी संगठन के लोग शामिल होते हैं और बड़े ही दिल खोल करके लोग मिलते हैं, अपनी समस्याओं पर जिक्र करते हैं। फिर भी जो यहाँ का माहौल है वो सामंजस्यपूर्ण बना रहता है, किसी तरह कोई विवाद नहीं होता है। इसमें दोनों समुदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं और जो भी समस्याएं बताई गई इस पर हम लोग सभी के साथ बैठ के इसके समाधान का प्रयास करेंगे और इस अवसर पर हम लोग पुनः एक बार सभी को ईद के अवसर, ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए।